हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज जो मैं आपके लिए वो है मोस्ट वांटेड वीडियो जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक जेनविन ऐसे प्रोडक्ट की है जेनविन ऐसे सोल्यूशन की जिससे हमारी फॉल रुक जाए एंड आप बिलीव नहीं करो कि मैं खुद काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रही थी इसके ऊपर बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो फाइनली मुझे एक ऐसा हेयर ऑयल सल्यूशन मिला है जिसे आप यूज़ करके एक्चुअली आपके हेयर फॉल को रोक सकते हो और मैं ये नहीं बोलूंगी कि ओवरनाइट सोल्यूशन है आप एक दो दिन करोगे और एकदम से रिजल्ट दिखेगा नहीं आप वीक बाई वीक आपको रिजल्ट दिखेंगे एंड वन या टू मंथ्स कंटिन्यूस यूज़ करने के बाद में आपको एक्चुअली लगेगा कि हाँ आपको कोई बहुत ही ब्रांडेड शैम्पू की ज़रूरत नहीं है कोई ब्रांडेड कंडीशनर नहीं यूज़ करना है कोई भी सल्यूशन ऐसा वैसा नहीं यूज़ करना है ना आपको डॉक्टर के पास जाना है आप इसे ट्राई करो एंड ये एक्चुअली अफेक्ट करता है एक्चुअली आपको रिजल्ट दिखेंगे सो so, आप देख रहे हो मेरे हेयर अभी काफ़ी है मैंने ऑलमोस्ट uh, जो मुझे वन वीक हो गया मैंने शैम्पू नहीं किया है एंड स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा स्मूद है रफ़ नहीं हुआ है एकदम भी फ्रिजी नहीं फील हो रहा है बिकॉज मैं जो हेयर ऑयल आज आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका रेसिपी वो काफ़ी इफेक्टिव है एंड उसे आप यूज़ करोगे तो आपको एक्चुअली आपकी हेयर क्वालिटी में भी फर्क दिखेगा तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स हमें लगेंगे उस हेयर ऑयल को बनाने के लिए चलिए चलते तो सबसे पहले हमें चाहिए कोकोनट ऑयल हंड्रेड एम जितना बॉटल विटामिन ई के कैप्सूल्स लहसन प्याज मेथी दाने और सरसों का तेल और कड़ी पत्ते ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें लगने वाले हैं अब हमें जो करना है वो है एक मिक्सर ग्राइंडर में हमने प्याज डाल दिया है पूरा अच्छे से इसे हमें पेस्ट बनाना है इसमें हमें लहसन डाल देने हैं साथ में और इसमें हम पानी एकदम भी ऐड नहीं करेंगे इसमें हम आ, दो चम्मच सरसों का तेल डालेंगे देख रहे हो अब हम पानी ऐड नहीं कर रहे हैं सरसों का तेल डाल रहे हैं दो चम्मच आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो डिपेंड करता है कैसा पेस्ट हमें पेस्ट एकदम थिक पेस्ट बनाना है अच्छे से पिस जाना चाहिए सब कुछ इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं एक बार अच्छे से तो ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हम इसमें मेथी का जो दाना है वो डाल देंगे और कड़ी पत्ते डाल देंगे और इसे फिर से हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बनने के बाद ऐसा दिखेगा ग्रीन टाइप का पेस्ट हो जाएगा ये उसके बाद में आपको इसे निकाल के कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेना है तो आप कोई भी मोटी कढ़ाई ले सकते हो अल्मीनियम की कढ़ाई है तो वो भी ले सकते हो मोटी कढ़ाई चाहिए मतलब कि ये जलनी नहीं चाहिए उसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है सरसों का तेल हमें तीन सौ एम जितना सरसों का तेल डालना है और सौ एम जो हमने बुरा कोकोनट ऑयल वो डालना है तो हम वो भी डाल लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे पहले इसे अच्छे से हम चलाएंगे तो ये देख रहे हो ठंड की वजह से थोड़ी जल गई थी इसलिए तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाएंगे जब तक आराम से 25 से 30 मिनट तक हमें इसे चलाना है जब तक इस टाइप से ऊपर झाग जैसी ना फॉर्म हो जाए तो अच्छे से आपको इसे जलाना नहीं है मतलब तेज़ आंच पर नहीं पकाना है आपको इसे धीमे आँच पर आपको इसे करते देना है पच्चीस से तीस मिनट में ये तैयार हो जाएगी अच्छे से देख लो इस तरीके से ऊपर वाइट कलर का झाग फॉर्म हो जाएगा एंड फिर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो इसकी ये पतली हो गई है या नहीं ये देख रहे हो इस तरीके से फ्लोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी सो ये होने के बाद में आप गैस ऑफ कर दोगे ठंडा होने दोगे थोड़ा सा ऐसे फिर आप कपड़े में एक नॉर्मल साफ़ कपड़ा लेके उसमें अच्छे से इसे स्ट्रेन कर लोगे ये देख रहे हो इस तरीके से हमें पूरे ऑयल को स्ट्रेन कर लेना है इस कपड़े की मदद से तो हमने ट्रांसफ़र करके इससे पूरे अच्छे से पोटली बना के पूरा तेल इसमें से निकाल लिया आप देख रहे हो इसके वजह से तेल जो है गाढ़ी नहीं बनेगी तेल एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी अच्छी टेक्स्चर में रहेगी तो आपको निचोड़ के एक्सेस ऑयल निकाल लेना है कपड़े में से पूरा ये कुछ इस टाइप का दिखेगा फिर आपको जो करना है वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है विटामिन ई e के कैप्सूल्स जो थे वो इसमें डाल डालने हैं इसमें कैप्सूल्स आप चाहो तो दो तीन कैप्सूल जितनी आपकी मर्जी उतने डाल सकते हो और इसे अच्छे से मिला के आपको एक साफ़ बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेना है तो चम्मच से मैंने मिला लिया है अच्छे से और उसके बाद में आप चाहो तो इसमें कैसरोल भी डाल सकते हो पर मुझे वो नेसेसरी नहीं लगती है तो मैं नहीं डाल मैंने नहीं डाला है आप चाहो तो डाल भी सकते हो इस तरीके से मिलाने के बाद आप देख रहे हो इसका कैसे एकदम स्मूथ है उसके बाद में आपको एक साफ कंटेनर में इसे डाल देना है आप इसे नॉर्मली आराम से वन मंथ तक प्रिजर्व करके रख सकते हो तो इस तरीके से आपको पूरे तेल को ट्रांसफर कर लेना है और आप इसे यूज करो। सो so, ये है टेक्सचर तेल का देख हो एकदम स्टिकी नहीं है ये टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है और जैसे बहुत गाढ़ी होती है ना गाढ़ी नहीं है बहुत ही सही है टेक्सचर इसका एकदम भी ज़्यादा ऑयली भी ज़्यादा नहीं है एंड बहुत अच्छा है इसमें कोई भी सेंट नहीं है मतलब आपको लगा कि बहुत स्ट्रांग अरोमा जैसा कुछ फ़ील नहीं होगा अगर आप चाहो तो इसमें आप कुछ भी नेचुरल अरोमा वाला सेंट डाल सकते हो एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हो जिससे आपको थोड़ी खुशबू आए या अच्छा लगे बट एज सच कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है सो ये काफ़ी अच्छा है एक बार आप ट्राई करके देखो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके लिए आपके लिए ये वाला ऑयल वर्क किया या नहीं इजी इंग्रेडिएंट्स है इसकी तो जैसे कि आप देख रहे हो टेक्सचर भी बहुत अच्छा है तो इसे लगाने की टेक्निक क्या है इसे लगाने की टेक्निक यही है कि आपको इसे नहाने से या शैम्पू करने से दो घंटे पहले इसे लगाना है अच्छे से आपको पार्टीशन करना है हेयर का और रूट्स में लगाना है रूट्स में लगा के आपको नेल्स नहीं यूज़ करने हैं जेंटली आपको अपने फिंगर्स की मदद से उसे मसाज uh, करना है स्कैल्प को इस ऑयल के साथ में एंड फिर उसे रहने देना है दो घंटे के बाद में आप शैम्पू कर और आपको कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डे बाय डे दे आप देखोगे आपकी हेयर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो रही है थिन भी नहीं हो रहा है हेयर एंड काफ़ी अच्छा फील होगा आपको तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको आपने ट्राई किया या नहीं और इसे ट्राई जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू